देश में होने वाली जो भर्ती है, आने वाली भर्ती, वो 4 साल के लिए कर दी गई है और जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, बहुत अच्छा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसके लिए मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग इसमें गलतफहमी फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बचकाना विपक्ष और नादान विपक्ष ही हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे गलतफहमी फैलाकर देश में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जो इस समय हमारे भर्ती कार्यालय हैं उसमें भी जब हम भर्ती खोलते हैं 50-60 हज़ार 1 लाख तक भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि उसके नियर बाय के जितने डिस्ट्रिक्ट से होते हैं उनका सेंटर भी वही होता है पूरे देश भर में। और उसमें कितना होता है, 1:8 इस तरह से हम लोग बुलाते हैं। उसमें चयन कितनों का होगा, 2000-1000, दौड़ंगे कितने, 1 लाख, कभी कभी 500 भी होते हैं। तो इसमें ये दावा कैसे कर रहे हैं आप कि जितने हम दौड़ेंगे सभी निकल जाएंगे? भाई वहां के लिए तो क्रीम चाहिए, दमदार चाहिए, जिन्होंने शारीरिक अपना व्यायाम पास किया हो या टेस्ट पास किया हो वो चाहिए, लिखित टेस्ट पास किया हो वो चाहिए। तो इस तरह की गलतफहमी क्यों फैला रहे हैं? 4 साल के बाद, फिर से 4 साल के बाद आप ये मान के चलिएगा कि एक टेस्ट उनको और देना है छोटा सा, उसमें से 25 लोग 100 में से चुने जाएंगे, जो 25 चुने जाएंगे वो रेगुलर हो जाएंगे, यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और जो 75 लोग बाहर आएंगे वो उनके लिए रास्ते थोड़ी बंद हो रहे। आपने देखा यूपी गवर्नमेंट, तो मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहा हम समायोजित करेंगे, होम ने कह दिया पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम ले लेंगे, कई संस्थान कह रहे हम ले लेंगे, क्योंकि वो तो स्किल्ड है बिल्कुल, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं, जो ट्रेनिंग और जगह नहीं होती वो आर्मी से लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी ऐसा ना हो देश की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो इतनी बड़ी फौज हमारी तत्काल प्रभाव से यहाँ पर हमको उपलब्ध रहेगी, इसको भी समझना चाहिए लोगों को। सर, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जैसी घटनाएं हो रही है, ट्रेन जला दी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक राज्य मंत्री होने के नाते? नहीं नहीं, गलत है जो विपक्ष गलत फहमियां फैला रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा स्टेप हमारी सरकार ने लिया है और उसके खिलाफ अगर कोई काम हमारे युवकों को बरगला के करते हैं तो इतना अच्छा जिसका परिणाम आने वाला है वो परिणाम फिर कल को आने में दिक्कत होती है, उसमें देरी होती है। ये कहीं पर भी लोगों को हिला देना, लोगों को उठा देना या फिर कोई डिसीजन लिया उसके खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है। 370 के बारे में कहा था उस समय कि खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में, खून की नदियां तो नहीं बही जब हमने 370 हटाई, तो आज वहां पर विकास की नदियां बह रही हैं, वहां कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया है, वहाँ कृषि हो चाहे सिंचाई हो चाहे बेरोजगारी हो, हर क्षेत्र में हम समाधान ढूंढ के आगे निकल रहे हैं। हर प्रकार के वहाँ पर आयोग बन गए हैं, पहले आयोग ही नहीं थे, वहाँ 3 परिवारों का शासन चलता था, आज वहाँ IPC, CRPC, एविडेंस सारे एक्ट लागू हो गए हैं, पहले एक्ट ही नहीं थे, कानून जो था मर्जी से चलता था 3 राजघरानों के। तो ये गलतफहमी तब भी फैलाई थी आपने, सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी आप पाकिस्तान की भाषा बोले, आपको पता ही है, एयर स्ट्राइक किया तब भी आप ऐसी भाषा बोले, CAA लागू किया अमेंडमेंट लाए वो तब भी आप ऐसी भाषा बोले, आपको पता है कि हमने तलाक के बारे में अपनी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं उसको उनको संरक्षण दिया तब भी आपने उसका उल्टा किया। तो ये विपक्ष को समझदार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है हमारा विपक्ष बहुत नासमझ है और बचकानी हरकत करता है। देश के कई सैनिक जो रिटायर सैन्य अधिकारी हैं वो भी इसके खिलाफ हैं, तो क्या क्या कहना चाहेंगे सर? कोई खिलाफ नहीं है, अभी तो 2 दिन घोषणा हुई है, जब जिस समय एक्ट आएगा सबको पता लगेगा कि बहुत अच्छी चीज है, कहीं से कहीं तक इसका अहित नहीं हो रहा है। भाई स्किल्ड आदमी हमको समाज में आएंगे, सारे लोग पढ़े लिखे लोग ही नहीं, हाईली उनको सारे चीजों का एक्सपीरियंस होगा, जब उनको सारे चीज़ों का अच्छा अनुभव होगा तो वो तो समाज के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है। कोई बैंक में जाएगा, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएगा, कोई कहीं भी जाएगा तो लोग वाग कहे, वो उस समय उनको ज्ञात होगा कि हम तो तैयार होके आए हैं, उनको अन्य टेस्ट तो देने ही नहीं पड़ेंगे, वो तो पके पकाए हैं कहते हैं, जैसे तपे तपाए होते हैं,
तो इसलिए जो विपक्ष में कोई ऐसा नहीं कर रहा, जानबूझ के लोग बोलते हैं, जैसे जैसे आएगा जब इसको अच्छी तरह समझेंगे तब उसके बाद लोगों को पता लगेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो बिल्कुल ये थे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नई स्कीम लाई जा रही है युवाओं के हित के लिए है और युवाओं जो विपक्ष है लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए योगेश भट्ट। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।